नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अप्रैल 2019 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सो आज का सीजन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए सीजन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 2019-20 के लिए नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नैसकॉम फॉर 2019-20। तो 2019-20 के लिए नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में केशव मुरुगेश को चुना गया है। और आपको बता दूं कि आईटी उद्योग निकाय नैसकॉम ने WNS ग्लोबल सर्विसेज ग्रुप के सीईओ रह चुके केशव मुरुगेश को 2019-20 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके पहले नैसकॉम के अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले नैसकॉम के अध्यक्ष थे रिशद प्रेम जी। और नैसकॉम के बारे में बता दूं कि नैसकॉम के फुल फॉर्म के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, तो नैसकॉम का फुल फॉर्म है क्या है दोस्तों? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, यानी भारत के सूचना प्रौद्योगिकी तथा BPO का एक व्यापारिक संघ है ये नैसकॉम, जिसका फाउंडेशन 1 मार्च 1988 को हुआ था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वेरी गुड। हाल ही में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर MG रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, यानी डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया है। आपको पता होगा कि डॉक्टर MG रामचंद्रन जी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र जो कड़कम यानी कि AIADMK के संस्थापक रहे हैं डॉक्टर MG रामचंद्रन जी, और उन्हीं के नाम पर चेन्नई रेलवे सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर MG रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया है। अगला जो प्रश्न है कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के साथ किस और बैंकिंग का मर्जिंग की घोषणा की गई है हाल ही में अप्रैल 2019 में? वेरी गुड। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड यानी कि IBHF की दोनों की मर्जिंग की स्वीकृति प्रदान कर दी है बोर्ड ने। अप्रैल 2019 में इन दोनों संस्थानों का मर्जिंग हो गया है। 5 अप्रैल 2019 को लक्ष्मी विलास बैंक यानी जिसे LVB कहा जाता है और इंडियन हाउसिंग फाइनेंस यानी IBHF बोर्ड दोनों संस्थानों की विलय की मंजूरी दे दी गई है। नई इकाई को इंडिया बुल्स लक्ष्मी विलास बैंक के नाम से जाना जाएगा। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि नई जो इकाई बनेगी इन दोनों मर्जिंग के बाद, तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा इंडिया बुल लक्ष्मी विलास बैंक, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना द्वारा कितनी घातक पनडुब्बियों का अधिग्रहण किया जाएगा, यानी कि कह सकते हैं हम लोग क्या दोस्तों कि हाउ मेनी लेथल सबमरीन्स विल बी एक्वायर्ड बाय द इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट 75। तो भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में ये घोषणा की गई कि कुल 6 जो पनडुब्बियों का अधिग्रहण किया जाएगा प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 भारत के तहत नौसेना 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण करना चाहती है और उनका अधिग्रहण करना चाहती है। और खास बात यह है कि ये पनडुब्बियां समुद्र में 18 हैवी वेट टारपीडो को ले जाने और लॉन्च करने की क्षमता रखती है। अगला जो प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, यानी हु हैज सिलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन अप्रैल 2019। तो अप्रैल 2019 में डेविड मलग को चुना गया है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के रूप में। इसके अलावा इसके बारे में कुछ खास चीजें आपको बता दूं कि अमेरिका के हैं ये डेविड मेलग जो कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष होंगे, और डेविड मलपास वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अवर सचिव हैं और वह 2016 के चुनाव अभियान के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार रख चुके हैं, और वे जो हैं डेविड मलग जो है अब विश्व बैंक के नए अध्यक्ष होंगे। इसका जब वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो दो तीन चीज़ें इसके बारे में पूछी जाती है, जैसे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट में, फाउंडेशन 1944 को हुई थी। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का आखिर काम क्या होता है विश्व बैंक का? ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जिसका मुख्य कार्य होता है राष्ट्रों का पुनर्निर्माण करना, साथ में विकास कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना। यानी कोई डेवलपमेंट करना चाहता है कोई देश किसी चीज़ के लिए तो उसे ऋण प्रोवाइड करती है ये विश्व बैंक।
अगला जो प्रश्न है कि जस्टिस प्रदीप नागराजोग ने अप्रैल 2019 में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यानी जस्टिस प्रदीप नागराजोग वाज सर्वड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट इन अप्रैल 2019। तो अप्रैल 2019 में मुंबई हाई कोर्ट यानी जिसे बम्बई हाई कोर्ट कहा जाता है कि चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस प्रदीप नागराजोग ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। किसने? प्रदीप नागराजोग ने। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको बता दूं, 7 अप्रैल 2019 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया। वे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, अब जस्टिस नरेश पाटिल की जगह लेंगे वो, और उनकी जगह नरेश पाटिल इससे पहले थे, अब जो नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे बम्बई हाईकोर्ट की वो है जस्टिस प्रदीप नागराजोग। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि आखिर में इन्हें शपथ ग्रहण करवाया किसने। तो आपको पता है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? विद्यासागर राव। उन्होंने ही राजभवन में जस्टिस नागराजोग को पद की शपथ ग्रहण करवाया। अब जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात आई है तो एक और नियुक्ति हुई है। हाल ही में TVS राधाकृष्णन ने अप्रैल 2019 में किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो हाल ही में TVS राधाकृष्णन ने किसके? कोलकाता उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। कब किया? 4 अप्रैल 2019 को किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने उन्हें शपथ ग्रहण करवाया। कौन है राज्यपाल पश्चिम बंगाल के? त्रिपाठी जी हैं, एन त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने ही शपथ ग्रहण करवाया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं केसरीनाथ त्रिपाठी जी। अगला जो प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में मीडिया की स्वतंत्रता पर ब्रिटेन के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड किंगडम्स स्पेशल इन्वॉय फॉर मीडिया फ्रीडम इन अप्रैल 2019। तो किसे नियुक्ति दी गई? तो अमल क्लूनी जी को नियुक्ति दी गई है हाल ही में विशेष दूत के रूप में, स्वतंत्रता पर ब्रिटेन के विशेष दूत के रूप में अमल क्लूनी को। ब्रिटेन और कनाडा जुलाई में लंदन में एक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है ताकि पत्रकारों पर होने वाले हमले पर हुए ध्यान केंद्रित कर सके। क्लूनी कानूनी विशेषज्ञ पर एक पैनल की अध्यक्षता करेगी जो कि देश को पुराने कानूनों को रद्द करना और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी तंत्र को मंजूरी प्रदान करने के समर्थन में वो काम करेगी। कौन? अमल क्लूनी जी। तो नाम याद रखिए, अमल क्लूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? आपकी जगह ये रैंक है, यानी कि पूछा जा रहा है कि 2019 में जो फीफा यानी फुटबॉल की जो रैंकिंग पेश की गई उसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की क्या रैंक रही है। तो 2019 में जारी की गई यानी अप्रैल 2019 में जारी की गई रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंकिंग रही है 101 नंबर पे रही है भारतीय फुटबॉल टीम। 2019 में कुल रैंकिंग अंकों के अनुसार भारतीय टीम जो है वो रहा है 101 स्थान पे, और अगर एशियाई देशों में कैलकुलेट करें तो भारत 18वें स्थान पर रहा है। अगर टॉप देश की बात करें तो बेल्जियम सिर्फ पे है, जबकि ईरान एशियाई रैंकिंग पे 21वें स्थान पे है, जिसके बाद जो है जापान है, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कतर है। तो अब देखिए, जब बात आई है फीफा की तो यहाँ से दो तीन चीज़ें पूछी जाती है। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है फीफा के फुल फॉर्म के बारे में। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। प्रेसिडेंट है गेनी इन्फेंटिनो। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में, और फाउंडेशन कहाँ हुआ था इसका? फ्रांस के पेरिस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में द्विवार्षिक सेना कमांडो का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो हाल ही में शुरू हुआ कहाँ? नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई। द्विवार्षिक सेना कमांडो यानी दो वर्षों में एक बार होने वाला है ये, और 8 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई। मौजूदा सुरक्षा का प्रबंध था यहाँ पे। इसके अलावा जो है इसमें हमारे रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन जी मौजूद थी और उन्होंने ही सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब निर्मला सीतारमन जी का नाम आते ही तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रथम रक्षा मंत्री रही है जो कि महिला है, पूर्ण रूप में याद रखिए। इसके पहले इंदिरा गांधी थी पर वो और भी पोर्टफोलियो संभाल रही थी। ये ऐसी महिला हैं जो पूर्ण रूप में प्रथम जो है रक्षा मंत्री रही है, महिला रक्षा मंत्री भारत की, निर्मला सीतारमन जी। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन 2019 का उद्घाटन कहाँ किया? तो हाल ही में वेंकैया नायडू ने यानी हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने लखनऊ में राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किया।
5 अप्रैल 2019 को उन्होंने संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किया। इसके अलावा बता दूं कि यह सम्मेलन कार्डियोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित किया गया और सम्मेलन कार्डियोलॉजी में नए नवाचार को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा जो रोगियों को लागत प्रभावी कार्डियोलॉजी देखभाल, कार्डियोलॉजी यानी हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है, उसके समाधान के लिए कार्य करेगी। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में पवन हंस लिमिटेड के CMD का पद के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला। तो हाल ही में पवन हंस लिमिटेड, जो कि आपको पता है कि हेलीकॉप्टर बनाने वाली एक कंपनी है, उसके अतिरिक्त प्रभार यानी CMD के अतिरिक्त प्रभार के रूप में उषा पधी जी ने पदभार संभाला है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव उषा पधी को विनिवेश से जुड़े पवन हंस लिमिटेड के CMD का पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे कंपनी की पहली महिला CMD होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सरकार ने 2018 में कंपनी में विनिवेश प्रक्रिया शुरू की थी जिसमें उसकी हिस्सेदारी 51% है, ONGC की हिस्सेदारी 49% है और मार्च 2019 तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा जो पवन हंस का हेडक्वार्टर है नोएडा में, फाउंडेशन हुई थी 1985 में। अगले जो प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में मलेशिया ओपन का खिताब किसने जीता है। वेरी गुड, 2019 यानी अप्रैल 2019 में मलेशिया ओपन का खिताब जीता है लिंडेन ने। बात करेंगे लिंडेन की, पहले बात करते हैं मलेशिया ओपन किस खेल से संबंधित है, तो इसका संबंध है बैडमिंटन की से और चीन के दिग्गज सेटलर ली डैन ने इसे जीत लिया है। 7 अप्रैल 2019 को क्वालालंपुर में मलेशिया ओपन का खिताब जीता है लिंडेन ने। शानदार प्रदर्शन करते हुए लिंडेन ने हराया है चेन लॉन्ग को। अगले जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह 2019 कब मनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह 2019 7 से लेकर 14 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो हैंडलूम यानी कि जो हथकरघा है उसको बढ़ावा देना है। इसके अलावा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष आपको पता होगा 7 अगस्त को मनाया जाता है। 1905 के आंदोलन को चिन्हित करने हेतु इसे मनाया जाता है जिसमें घरेलू उत्पादों की पुनरुत्थान के पक्ष में ब्रिटिश उत्पाद का बहिष्कार किया गया था 1905 में, और उसी को मनाने के लिए हम लोग 7 अगस्त को हर वर्ष जो है हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाते हैं। और इस वर्ष 7 से लेकर 14 अप्रैल तक मनाया जा रहा है हथकरघा सप्ताह के रूप में, राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह के रूप में। अगला जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। When is the World Health Day? आपकी दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, तो हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में कब मनाते हैं हम लोग दोस्तों। वेरी गुड, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा बता दो कि यह सुनिश्चित करने हेतु कि किसी भी इंसान को कभी भी दोनों के बीच चयन ना करना पड़े, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस 2019 जो है मनुष्य को स्वस्थ रखने हेतु मनाया जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि 2019 के विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या था। इसका थीम था 2019 का, वो था यूनिवर्स कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। और एक बार बता दूं, यूनिवर्सल कवरेज एवरीवन एवरीवेयर 2019 के विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था। इसके अलावा विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 अप्रैल को, और भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस को मनाते हैं हम लोग 5 अप्रैल को। अब जब बात आई है मंथ ऑफ अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को मनाएंगे हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जैसे मैंने बताया। इसके अलावा 14 अप्रैल को मनाते हैं अम्बेडकर जयंती के रूप में, 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस के रूप में, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में, जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से मंथ ऑफ अप्रैल पूरी कंप्लीट हो जाती है। जितनी बार डेट की बात आएगी मैं आपको रिवाइज करवाते जाऊंगा, डेफिनेटली आपको एंड में याद हो जाएगा और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में CIA के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो हाल ही में CIA के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है विक्रम किलोस्कर जी ने। CII क्या है, डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा, तो इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, और इसके नए अध्यक्ष होंगे कौन, विक्रम किलोस्कर जी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूं कि विक्रम किलोस्कर किलोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के CMD और टोयोटा
किर्लोस्कर मोटर्स के उपाध्यक्ष ने 2019-20 के लिए भारतीय उद्योग परिषद यानी जिसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII का हाथा जताया के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव है? तो भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव है फियोंग। आपको नाम याद रखना है। आखिर में ये फियोंग है कहाँ पे? ये फियोंग है नॉर्थ स्टेट मणिपुर में, और ये मणिपुर का फियोंग भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव जो है सेटलमेंट गांव है। एक गांव को कार्बन पॉजिटिव टैग का दर्जा दिया कब जाता है? आखिर में कौन सा गांव कार्बन पॉजिटिव होगा इसके बारे में कब पता चलता है? जब वो कार्बन की उत्सर्जन से अधिक कार्बन को शोषित करता है जो कि ग्रीन हाउस गैसों के संचय को धीमा करती है और जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती है, तो उस गाँव को तब जाके कार्बन पॉजिटिव का दर्जा दिया जाता है। कार्बन पॉजिटिव गाँव योजना के हिस्से के रूप में फियोंग को वनीकरण की सुविधा के लिए 10 करोड़ का अनुदान मिलेगा, और ये कहाँ पर है? फियोंग है मणिपुर में। तो जब बात मणिपुर की आई है, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं कौन? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल हैं निज़मा अब्दुल्ला। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और मणिपुर का नाम आते ही तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि एकमात्र इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कहाँ पे? मणिपुर में, जिसका नाम क्या है फ्लोटिंग नेशनल पार्क का? लोकटक झील। अगला जो प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में ICC सिक्योरिटीज के प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में अप्रैल 2019 में ICC सिक्योरिटीज के प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में विजय चंदोकजी को नियुक्ति दी गई है। वे वर्तमान में ICICI बैंक के कार्यकारी निर्देशक हैं। और ICICI की बात करते हैं तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और संदीप बख्शी जी ICICI के कौन है? CEO है। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा देश अप्रैल 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है? वेरी गुड। हाल ही में बोलिविया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। पहले बात करते हैं बोलिविया के बारे में। बोलिविया के राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने बोलिविया के राष्ट्रपति, जब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उनके यात्रा पे गए थे, उनके दौरान इस समझौते पे हस्ताक्षर किया। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उन देशों का समूह है जो कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए यानी जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम करती है, और जिन देशों में सूर्य की रेखाएँ सीधी पड़ती है, या तो जो देश जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में पड़ता है, उन देशों का समूह है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कुल 122 से भी ज़्यादा देश इसमें शामिल है। इसके अलावा बता दूँ कि भारत और फ्रांस की सहायता से इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है। अब बोलिविया की बात करते हैं, इसकी कैपिटल है स्विस और करेंसी कौन सी है? बोलिवियन, बोलिवेनो। अगला जो प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में कैमरून गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? तो भारत के उच्चायुक्त होंगे राकेश मल्होत्रा जी। राकेश मल्होत्रा को कैमरून गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति दी गई है। वे वर्तमान में काउंसिल जनरल यानी कि जनरल ऑफ इंडिया मेलबॉर्न के रूप में काम कर रहे हैं। अब जब बात आई है कैमरून की, कैपिटल कौन सी है कैमरून की? यूनिड। और प्रेसिडेंट है पॉल बीए। करेंसी कौन सी है? सेंट्रल अफ्रीकन CFA। और ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश चलती है कैमरून में। अगला जो प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में किसको गूगल के औद्योगिक एजेंसी भागीदारी के प्रमुख के रूप में नियुक्ति दी गई है? तो हाल ही में मयूरी कांगो, पहले एक्ट्रेस रह चुकी है मयूरी कांगो, उनको गूगल की उद्योग एजेंसी भागीदारी के प्रमुख के रूप में नियुक्ति दिया गया है। इसके अलावा बता दूं गूगल इंडिया में शामिल होने से पहले मयूरी ने जो परफॉर्मेंस में एक प्रबंध निर्देशक के रूप में काम किया जो परफॉर्मेंस समूह का हिस्सा है। वे बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री हैं जिसने नसीम जैसी फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना मत भूलिए। साथ में अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। इसके अलावा कुछ मेरे दोस्त अगर चाहते हैं उनको पूरा मंथ मतलब ईयर ऑफ 2019 की पूरी करंट अफेयर्स एक जगह पर मिल जाए तो उसके PDF मैं नीचे प्रोवाइड कर दूँगा।
ठीक है, उसकी ई बुक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एक छोटे से कॉस्ट से आप उसे हासिल कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। पूरे 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन है वहाँ पे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में फीफा परिषद के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है, राजीव महर्षि, सुशील कुमार सिंधे, प्रफुल्ल पटेल या धनंजय मुंडे। साथ में आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।